प्लीज स्टे अवे, जाइए जाइए जाइए। ये क्या तरीका होता है बात करने का, स्टे अवे? प्लीज जा सकते हैं। ये क्या तरीका होता है बात करने का, यहाँ के रहने वाले? नहीं नहीं, अरे व्हाट्सअप गाइस, वंस अगेन। तो आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। ऐसा ही कर रहे हैं ये हमारे मुस्लिम भाई हमारे हिंदुस्तान में। आपने न्यूज़ देखी होगी, दो तीन दिन से हाई लाइट पर चल रही है पी एफ आई। आखिर क्या है ये PFI? ये मुस्लिम लोग एक सा समूह बना रहे हैं PFI, जिसमें कि ये दंगा करा सकें, लड़ाई झगड़े कर सकें, जातिवादी फैला रहे हैं। हम हिंदुस्तानी हमेशा कहेंगे हमारे हिंदुस्तान, कोई भी नागरिक हो, कोई भी मतलब किसी भी धर्म का हो, कैसा भी, हम हिंदुस्तानी कहेंगे उससे। पर ये मुस्लिम जातिवादी फैला रहे हैं, तो चलिए मुस्लिम कौम के बीच में चलते हैं और उनसे ही जान लेते हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है गाइस, तो चलिए वीडियो देखते हैं। हम दो दिनों से टीवी पे अगर देखा जाए तो सुर्खियों में सिर्फ PFI चल रही है। वो इस वजह से क्योंकि ताबड़तोड़ जो है वो एक्शन PFI पे किया जा रहा है। हम लोग फिलहाल अभी निजामुद्दीन इलाके में हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि आप मैं जिस इलाके में खड़ी हूँ वो निजामुद्दीन मरकज है। यहाँ पे मैं लोगों के पास खड़ी हूँ। बच्चे की स्माइल बड़ी प्यारी है, दिखाइए, कैमरामैन से मैं अनुरोध करूँगी, दिखाइए। हम लोग यहाँ पे अभी निजामुद्दीन के मरकज के पास खड़े हैं, लोगों से थोड़ा बातचीत करने की और समझने की कोशिश करेंगे कि जी क्या सच में ये लोग PFI को जानते हैं, और अगर जानते भी हैं तो क्या प्रतिक्रिया इनके मन के अंदर PFI को लेकर के है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे हम लोग समझने की। हम कोशिश करेंगे कि लोग हमसे बातचीत करें और थोड़ा सा अपनी बातें जो हैं वो हमारे सामने बोले। चाचा आपका नाम? दस्तगीर। क्या नाम? दस्तगीर। ठीक है, आप यहीं के रहने वाले? नहीं नहीं, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। PFI जानते हैं क्या है? PFI बोलो। नहीं जानते? नहीं, ठीक है, PFI नहीं जानते। तो आगे थोड़ा और आगे आइए, थोड़ा हम लोग इधर इधर इधर। चाचा नमस्कार, आप यहाँ के रहने वाले? नहीं, हम खरगोन के रहने वाले। खरगोन के रहने वाले, उत्तर प्रदेश के रहने वाले? आप मध्य प्रदेश? खरगोन आप मध्य प्रदेश के, आप उत्तर प्रदेश? नहीं, अच्छा, ये भी मध्य प्रदेश के हैं। तो PFI के बारे में जानते हैं क्या चाचा? क्या जी? PFI के बारे में? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। PFI क्या चीज़ है ये भला ही नहीं जानते हम, तो कुछ भी नहीं मालूम। ये भला ही नहीं जानते हैं। टीवी पे खबर वबर देख रहे हैं कि नहीं? नहीं नहीं, टीवी कौन देखता है? टीवी नहीं देखते ना, समाचार भी नहीं पढ़ते। समाचार भी नहीं अपने? PFI समझते हैं क्या है? नहीं समझते। नहीं, कोई यहाँ पे जानते है PFI क्या? आप जानते हैं PFI? और भी अगर हम इधर लोगों से पूछे, नाम क्या भैया? असदुल्ला। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? नहीं, फिर कहाँ के रहने वाले? मैं दूसरी जगह का हूँ, झारखंड। झारखंड के? झारखंड के हैं। PFI जैसी संस्था को जानते हैं क्या? नहीं, हमें नहीं मालूम। टीवी भी नहीं देख रहे हैं? नहीं। यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को PFI जैसी संस्था का, आपका नाम क्या हुआ भैया? मोहम्मद सलमान। ठीक है, आप यहीं के रहने वाले? नहीं, हम तो कर्नाटका के। कर्नाटका के रहने वाले जी। PFI जानते हैं क्या है? सुना है, एक मुसलमानों की मदद के लिए एक चीज़ बनाई गई है, बस इससे ज़्यादा तो कोई उसका तारुफ नहीं है, बस इतना ही है। लेकिन आप कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, बताया ये जाता है कि साउथ में बड़ी एक्टिव है ये संस्था PFI है, लेकिन उतना उरूज पर नहीं है। उरूज पर नहीं है? उरूज मतलब मैं समझी नहीं। रुके रुके, थोड़ा बातचीत कीजिए ना। नहीं मुनासिब। रुके रुके तो सही, दो मिनट। क्या उरूज का मतलब क्या है? रुके दो मिनट तो रुके। उरूज मतलब ऊंचाई की तरफ नहीं है, ऊंचाई की तरफ अपने अपने जमीन लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर काम कर रही है। अच्छा, आपके हिसाब से आप जिस इलाके में रहते हैं, क्या उस इलाके में PFI का ऑफिस वगैरह है? आप जानते हैं उनके मुलाजिमों से मिलते हैं आप लोग, मतलब जानते हैं? हाल फिलहाल तो नहीं है। हाल फिलहाल नहीं है। तो ये आपने ये कहा, अच्छा एक सेकंड भैया, एक सेकंड सुनिए तो सही, थोड़ा सा मैं आपसे बातचीत करना चाहूँगी, चूँकि आप कर्नाटक के हैं। भैया भैया एक सेकंड रुके, हाँ इस तरफ आ जाइए, दो मिनट। चूँकि आप कर्नाटक के हैं ना, साउथ के, तो मैं थोड़ा सा आपसे बातचीत करना चाहती हूँ बस। ये अभी आपने ये कहा कि PFI जो, दो मिनट तो रुके भैया, क्या परेशानी, दो मिनट बात कर लेते हैं। चलिए ठीक है, ये बातचीत नहीं करना चाहते हैं हम लोग, बात हम लोग को कर्नाटक के एक मिले थे जिनसे हम लोग बातचीत हम लोग कर सकते थे, और भी कुछ लोग होंगे तो हम लोग आइए थोड़ा आगे चलते हैं बातचीत करने की। आइए आइए आइए, इस तरफ आइए, यहाँ पे आते। नमस्कार भैया, प्लीज स्टे अवे, जाइए जाइए। ये क्या तरीका होता है बात करने का, स्टे अवे? प्लीज जा सकते हैं। ये क्या तरीका होता है बात करने का, ऐसे थोड़ी किसी से बात किया जाता है मीडिया वालों से। ये देखिए यहाँ पे जो लोग हैं ना, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, खासा मुझे पता नहीं क्यों बदतमीज़ टाइप के मुझे यहाँ पे जो वो लोग, आपने ये देखा, अगर आपको मीडिया से बात नहीं करना है तो
आप बड़े कायदे से बता सकते हैं कि आपको मीडिया से बात नहीं करना है। नमस्कार भैया, क्या आप यहाँ के रहने वाले? नहीं नहीं। अरे ये क्या तरीका हुआ बात करने का, ये ऐसे ऐसे क्यों आपने, मतलब इतला दे रही हूँ, मैं राजधर्म से हूँ, मैं लोगों से बातचीत कर रही हूँ, हम यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कैमरा पता नहीं क्या है, किस तरीके का क्या बातचीत हो गया, क्यों भैया ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहे हैं लोग? पता नहीं, आपको तो कोई डर नहीं हुआ, जैसे मैं आपके पास माइक लेके आई, कोई डर नहीं है आपको? ऐसा तो कोई डर नहीं है। नहीं है ना डर? नहीं। तो ये क्यों ऐसा भैया, ऐसा क्यों किया? ये मरकज है, बहुत सालों में खुला हुआ है जब से। हाँ। ये पहले कोरोना में बंद हो गया था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निजाम। निजाम, गरीब गरीब को खाना वाना भी खिलवा रही हो? निजाम नाम मेरा। अच्छा, यहीं पे रहते हैं हम, यहीं के रहने वाले हैं हम, यहीं यही। पीएफआई के बारे में जानते हैं क्या है? नहीं नहीं जानते। नहीं। चलिए आइए, थोड़ा सा आप बात करेंगे, नाम बताइए अपना। मोहम्मद सफवान। क्या नाम है? सफवान। थोड़ा जोश के साथ, क्योंकि आप जामिया मिलिया इस्लामिया से आ रहे हैं। जी सफवान। सफवान नाम है आपका, क्या कोर्स है आपका? मैं लैंग्वेज कर रहा हूँ। लैंग्वेज कर रहे हैं, पीएफआई जैसी संस्था के बारे में जानते हैं? नहीं नहीं जानते। अरे बड़ा हल्ला है जामिया मिलिया इस्लामिया में पीएफआई का, आप कहाँ के रहने वाले? मैं यूपी का हूँ। तभी नहीं जानते। अच्छा योगी बाबा कैसे लगते हैं? योगी बाबा अपने तरीके से तभी ठीक है, अब अभी इस मैटर में नहीं जानता मैं। मुस्लिम समाज पे जुल्म नहीं ढा रहे हैं? अब इसके बारे में हम क्या क्या आएंगे आगे लोग पूछने उससे। अरे आपसे पूछ लेते हैं यार, कोई रुकता ही नहीं है कोई। अभी देखो वो महिलाओं का गैंग आ रहा है, मैं उनको रोकने की भरपूर अपने प्रयास करूंगी, लेकिन रुकेंगी नहीं महिलाएं। अच्छा ये बच्चे भी उतर गए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है अरीब खान अगवानपुर। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले? हम यहीं के। ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं? नहीं, हम जामिया हमदर्द के स्टूडेंट। जामिया हमदर्द के स्टूडेंट हैं आप लोग? अच्छा, संगम बिहार के। अच्छा मुझे एक बात बताइए, पीएफआई जैसी संस्था के बारे में जानते हैं? नाम तो सुना है लेकिन जानते नहीं है प्रॉपर। अच्छा, नाम सुना है, क्या है? वही सुना है जैसे आम आदमी पार्टी, ऐसे वो भी एक पार्टी है। आप ये बात समझ रहे हैं, जैसे आम आदमी पार्टी एक संस्था है, उस तरीके से पीएफआई भी एक संस्था है। क्या करती है पीएफआई? कह तो रहा हूँ, जैसे आम आदमी पार्टी तो चुनाव लड़ती है, दिल्ली में सरकार है, मुख्यमंत्री हैं आपके अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के, तो वैसे पीएफआई का क्या है सिस्टम? अभी कहा तो मैंने आपसे, प्रॉपर नहीं पता मुझे। मैं तो ये कहाँ से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी और भी, भैया आप भी जामिया मिलिया इस्लामिया के यहाँ के रहने वाले हैं? नहीं नहीं, मैं बाहर का रहने वाला हूँ। बाहर का रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले? मैं तो मुजफ्फरनगर का यूपी का हूँ। मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले, नाम बताइए अपना। मेरा नाम इलियास है। इलियास नाम है। अच्छा ये बच्चा कह रहा है, कितनी उम्र होगी बेटा तुम्हारी? 18 है। 18 बोल, 18 नहीं, और अंग्रेजी में 88 बोल रहे हैं, 88 होता है, 88 बोल रहा है, 18 बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मुझे गलत सुनाई दिया, 88। हाँ ये बच्चा कह रहा है, पहले मैं आपसे पूछूंगी पीएफआई क्या है? नहीं मुझे तो नहीं पता जी क्या है। नहीं पता? ना पीएफआई के बारे में टीवी भी नहीं देख रहे हैं क्या? नहीं देखता हूँ, लेकिन पीएफआई के बारे में नहीं पता मुझे। पीएफआई के बारे में ना। अच्छा कोई यहाँ पे है क्या जिसको पीएफआई के बारे में पता है कि क्या है? 90% लोगों को पता नहीं होगा इसके बारे में। ये 10% में से है। ये 10 में से ही है। नाम ही सुना है। नाम सुना। तो मतलब यहाँ पे लोगों के अंदर आप ये देख रहे हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया में इतना बवाल काटा हुआ है कि जी पूरा यहाँ पे 144 धारा भी जो है यहाँ पे लग गई है। मैं और भी लोगों से प्रयास करूँगी थोड़ा बहुत बातचीत करने का। आइए वो जो भैया मोमोज तल रहे हैं, हम लोग उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग मेरे पास रुके। ठीक है आइए हम लोग आगे चल के उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये मामला समझने का है। जामिया मिलिया इस्लामिया ये यूनिवर्सिटी है, मैं आपको कैमरामैन से अनुरोध करूँगी कि थोड़ा सा आप अंदर दिखाइए कि ये यूनिवर्सिटी है। क्या नाम हुआ भैया? जी मोहम्मद अकबर हुसैन। क्या नाम हुआ? मोहम्मद अकबर हुसैन। अच्छा कैसा, मतलब यूनिवर्सिटी के बाद मोमोज लेने आए हैं? ले लीजिए, आप काम नहीं रुकना चाहिए बिल्कुल। मोमोज कैसे? हाँ बताइए। चिकन मोमोज है, वेज नहीं। वेज नहीं खाएंगे, अभी चिकन खाएंगे सब लोग। अच्छा मुझे एक बात बताइए भैया, कैसा चल रहा है आपका कारोबार? जी सही चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है जी। बच्चे बच्चे खूब आ रहे हैं, खूब खा रहे हैं? जी जी जरूर। कहाँ के रहने वाले? बिहार के। बिहार के हैं? मैं भी बिहार से हूँ। कहाँ के हैं? किशनगंज। किशनगंज, मैं पटना से हूँ। अच्छा कितने सालों से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हम तो बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक महीना हो रहा है यहाँ पे लगाने का। मैं बटला हाउस में रहते हैं। जामिया में एक महीना हुआ? जी। वैसे कहाँ लगाते हैं? बटला हाउस में। बटला हाउस में लगाते जी। अच्छा काम करते करते रह के इतने दिनों से रहे हैं दिल्ली? हम तो 8-9 साल से रहे। 8-9 सालों से रह रहे हैं, बटला हाउस में पहले रह रहे थे, अब जामिया में आ गए। तो पीएफआई जैसी संस्था का नाम सुने हैं क्या? नहीं, पीएफआई का नाम नहीं सुने। नहीं, टीवी भी नहीं देखते हैं? बहुत कम देखते हैं। अच्छा कौन सी पार्टी अच्छी लगती है आपको?
अभी तो आम आदमी सही है, काम कर रही है जी जो सही है। पीएफआई जैसी संस्था के बारे में जानते हैं? पीएफआई नहीं जानते, उसके बारे में नहीं। आप जानते जी? थोड़ा थोड़ा न्यूज़ में देखा। क्या देखा है? यही देखा है कि आजकल जो सरकार है वो बड़ा, मोदी सरकार जो है वो पीएफआई पे कुछ एक्शन ले रही है। सही एक्शन क्या तो ऐसा? अच्छा, आप नौजवान हैं, आप यहाँ पढ़ते हैं? जी जी, ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं। ऐसे उंगली दुखाने से कुछ नहीं होगा, आके बोलना पड़ेगा अगर बोलिएगा तो। आपके मित्र हैं, बुला लीजिए फिर सबको। आइए, अरे आइए, इसे विक्ट्री का साइन क्या दिखाना, आइए अगर बात करना। आइए आइए आइए, फटाफट आइए आइए, 2 मिनट। अरे आप ही चल लीजिए ना, आइए चलना। अरे खड़े हो जी, खड़े हो जी, खड़े हो जी, हाँ खड़े 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 हो जी, खड़े। हाँ बताइए, यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जी? ठीक है, क्या सुना है पीएफआई? जब ऐसे सुर्खियों में देखा कि मोदी सरकार पीएफआई पे बड़ा एक्शन ले रही है, मन नहीं किया कि पीएफआई के बारे में थोड़ा जाके पढ़ लें? क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया में कई जगह वर्क करता है। केरला में मैंने मेजरली न्यूज़ में देखा है जी। और बाकी उतना डीपली नहीं देखा, बस ये मालूम है कि न्यूज़ में उस पर काफ़ी एक्शन चल रहा है, जिसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है। अच्छा, अभी आपने कहा पोर्ट्रे किया जा रहा है, और उसको होने में अगर पोर्ट्रे किया जा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी पीएफआई में, कि नहीं लगता कि ऐसा ही अपना निशाना साध रही है सरकार? नहीं, मैं न्यूज़ चैनल की जो कही गई बातें उस पर विश्वास नहीं करता हूँ मैं। जब थोड़ा डीपली खुद देखूँ और कई रिव्यूज़ जब देखता हूँ, कई एनालाइज करता हूँ, तभी मैं बोलता हूँ। देश में ये बड़ी सुर्खियाँ बनी हुई है पीएफआई पे एक्शन, यहाँ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खूब सुर्खियाँ बटोर रहे हैं, खूब वाहवाही लूट रहे हैं पीएफआई पे रेड मरवा करके। तो उनको टीवी पे आना है ना, इस वजह से करना है, तो वो तो सुर्खियाँ बनाने का काम ही है उनका, तो हर दिन वो आएंगे कुछ ना कुछ बोल के जाएंगे। सुर्खियाँ बनाने का काम तो वही है, क्या सुर्खियाँ बन रही है? क्या उदयपुर वाला कांड सुना था क्या, कन्हैयालाल वाला? जी हाँ। क्या हुआ था कन्हैयालाल में? उनकी शॉप में घुस के उनका क्या कहते हैं हत्या कर दी गई थी। किसने किया था? मेरे ख्याल से 2 लोग थे, उन्होंने करी थी। नाम मालूम है उनका? मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, नाम मोहम्मद रियाज और गौज नाम था। इन दोनों का कहीं ना कहीं कनेक्शन पाया गया था। अच्छा, ओके। आपने डीपली नहीं पढ़ा जाके? नहीं।